बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत सुना हो कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं। किडनी का जितना भी फंक्शन होता है वो यूजुअली नेफ्रॉन की वजह से परफॉर्म होते हैं। और आप ऑलरेडी किडनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पीएच को मेंटेन रखता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है, रेगुलेशन करता है हमारी ऑस्मो रेगुलेशन। सो उसमें जो प्रॉपर वो फंक्शन परफॉर्म होता है दैट इज डन बाय द नेफ्रॉन। ओके, सो नेफ्रॉन आर नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दीज आर द फंक्शनल यूनिट, यानी किडनी के फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट्स नहीं कह सकते किडनी के, क्योंकि जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ नेफ्रॉन से बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, देन दीज आर नंबर। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये 1,30,000 नेफ्रॉन हो सकते हैं एक किडनी के अंदर। ठीक है, देन इसकी लेंथ है 1.2 to 2.2 inches लॉन्ग। फिर हमारे पास इसके पार्ट्स आते हैं। सो द नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। अगर आप यू देखें इसकी डायग्राम को, तो ये आपके पास हो गया वुमेन कैप्सूल, इसके अंदर आ गया ग्लोमेरुलस, और ये दोनों जो पार्ट्स हैं वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये बनाते हैं वीनल कार्पसल, यानी ये दोनों कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, सेल लाइक स्ट्रक्चर हैं। अच्छा देखिए, जब हम कार्पसल और सेल लेते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। अच्छा, कार्पसल सिर्फ वेसिकल स्ट्रक्चर होता है या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, और सेल वो होता है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये जो है ये कार्पसल हो गया, और इसके बाद रीनल टिब्यूल्स होती हैं। सो रीनल टिब्यूल्स जो है ये हमारे पास दो तरह की हैं, एक को आप प्रॉक्सिमल टिब्यूल कहते हैं कन्वोलेटेड टिब्यूल, और एक होती है डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, इसके बाद इसके सेंटर में एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हैं लूप ऑफ हेंगे, और फाइनल जो है इसके साथ एक पार्ट अटैच होता है जिसको आप कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सो कलेक्टिंग डक्ट जरूरी नहीं है कि एक नेफ्रॉन का इंडिविजुअल पार्ट हो, ये बहुत सारे नेफ्रॉन के साथ एडजॉइन हुई हुई होती है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि वन कलेक्टिंग डक्ट इज शेयरिंग विद मेनी नेफ्रॉन्स। देन बेटा हमारे पास अगर स्ट्रक्चर आ गए, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स आ गए, ग्लोमेरुलस, देन वुमेन कैप्सूल, सो कन्वोलेटेड टिब्यूल्स, दीज आर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स एंड डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है फर्स्ट, डिस्टल का मतलब होता है बाद में। ठीक है, सो जो पहली पोर्शन है उसका उसको प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड कहेंगे। कन्वोलेटेड का क्या मतलब है कि उसमें फोल्ड्स होते हैं, दीज आर नॉट अ स्ट्रेट ट्यूब्स। ठीक है, और ये यू होते हैं इस तरह के फोल्ड्स टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर दीज टिब्यूल्स। ठीक, देन लूप ऑफ हेंगे, सो दिस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लूप ऑफ हेंगे, एंड फाइनली द कलेक्टिंग डक्ट व्हिच विल कलेक्ट द यूरिन और द फिल्ट्रेट फ्रॉम द होल नेफ्रॉन। ठीक है, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स वन बाय वन। सो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। बेटा ग्लोमेरुलस क्या होता है, दिस इज द टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज का क्या मतलब है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, आपको पता है कि किडनी को जो ब्लड सप्लाई होता है दैट इज डन बाय द रीनल आर्टरी, एंड जो किडनी से ब्लड वापस जाता है दैट इज डन बाय द रीनल वे। लेकिन इनसाइड द किडनी या इनसाइड द आप ये कह सकते हो कि रीजन्स ऑफ द किडनी के रीनल आर्टरी एंड रीनल बल्कि रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू अ स्मॉलर नेटवर्क दैट इज कॉल्ड द रीनल कैपिलरीज, एंड देन रीनल कैपिलरीज विल एडजॉइन टू फॉर्म द रीनल वेन। ठीक है, सो बेटा हम ये कह सकते हैं कि दैट टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज व्हिच रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक, देन ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें ब्लड आता है फ्रॉम द एफेरेंट आर्टरियोल, और ब्लड लीव करता है फ्रॉम द एफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा आपकी, जब हम एफेरेंट और एफेरेंट की बात करते हैं, तो अगर आपके पास ये आर्टरी है रीनल आर्टरी, तो ये जब एक आर्जन में डिवाइड होगी तो इससे बहुत सारे आर्ट्रियोल्स बनते हैं। ठीक है, सो ये तो आपके पास हो गई रीनल आर्ट्री जो कि किडनी में आ रही है, यहां से क्या चीज बनेगी, आर्ट्रियोल्स। ठीक है, आर्ट्रियोल्स जो है वो अभी डिवाइड हो रही हैं बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, सो दिस टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द किडनी आर नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक, देन इससे फिर जो निकलेंगे आपके पास क्या कहते हैं आर्टरियोल्स, उनको आप बोलेंगे एफेरेंट आर्टरियोल्स। ठीक है ना,
सो एफेरेंट आर्टेरियोल्स टूवर्ड्स के लिए यूज होता है और ये अराइज होता है फ्रॉम रीनल आर्टरी, और इफेरेंट आर्टेरियोल्स जो है वो अवे के लिए यूज होता है और ये अराइज होगा रीनल कैपिलरीज से, जो कि फिर जाके इसको वापस ज्वाइन कर देगी रीनल वेन के साथ, ठीक है। सो हमारे पास ये नेटवर्क ऑफ ब्लड सप्लाई है, याद रखिएगा रीनल आर्टरी इनटू एफेरेंट आर्टेरियोल्स, देन कैपिलरीज एंड इफेरेंट आर्टेरियोल्स एंड फाइनली द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और फिर वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा रीनल वेन के अंदर, ठीक है बेटा। सो अब एक चीज है यहाँ पे कि जो हमारे पास ये दो आर्टेरियोल्स होती हैं इनका डायमीटर डिफरेंट होता है। अच्छा, याद रखिएगा कि एफेरेंट का डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है, यानी मोर डायमीटर होगा इसका, और इफेरेंट जो होती है जो उससे अवे लेके जाती है उसका लेस डायमीटर होता है, ठीक। अब इनका डायमीटर क्यों कम या ज्यादा होता है, उसके रीजन क्या है? जैसे आप देखो कि यहाँ अगर मैं इस मार्कर की एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये एफेरेंट आर्टेरियोल है और ये इफेरेंट आर्टेरियोल है और सेंटर में आपके पास ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। So a huge amount of blood is entering into this capillary or into these capillaries by mean of efferent arteriole which has a larger diameter, ठीक है। क्यों लार्जर डायमीटर है, जितना उसमें ज्यादा ब्लड ट्रेवल करेगा और उतना कैपिलरीज को भी मिलेगा, लेकिन आगे जब वो कैपिलरीज में से निकलेगा इफेरेंट की तरफ तो उसका डायमीटर कम है। सो आप देखो कि अगर आप यहाँ से इसमें ब्लड पोर कर रहे हैं तो वो ज्यादा ब्लड जाएगा, लेकिन जब वो लीव करेगा तो वो कम अमाउंट में होगा। सो इसकी जो मूवमेंट होगी उसकी वजह से यहाँ कैपिलरीज के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर प्रेशर, ठीक है। एंड दिस प्रेशर इज नीडेड फॉर द फिल्ट्रेशन, सो दैट्स व्हाई ग्लोमेरुलस इज नोन एज इनिशियल कंपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। याद रखिएगा क्यों एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल्स का डायमीटर डिफरेंट होता है, ताकि ज्यादा ब्लड जो है वो एफेरेंट से आए, कम ब्लड एफेरेंट को लीव करे, और जब ज्यादा ब्लड आएगा कम लीव करेगा तो उसकी वजह से इन कैपिलरीज के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर प्रेशर, एंड ग्लोमेरुलर प्रेशर इज नीडेड फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या आप ये कह सकते हो कि जो चीजें इसमें से फिल्टर होकर बाहर निकलेंगी उसके लिए जरूरी है, ठीक है। हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आता है किसका, ग्लोमेरुलस का। अच्छा, सो स्ट्रक्चर कंटेन टू मेन पार्ट्स, फर्स्ट इज द एंडोथेलियल सेल्स एंड द सेकंड आर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। अभी जहां अगर आप यहाँ पे देखें तो दीज आर द एंडोथेलियल सेल, मैं कैपिलरी ले रही हूँ, यानी इस तरह से एक कैपिलरी है आपके पास, तो इस कैपिलरी में सेंटर में तो इसका आ गया ल्यूमन, ठीक है, और इसको कवर किया हुआ है यहाँ पे जिन सेल्स ने, उनको कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, ठीक। यानी ल्यूमन इसकी जो कैविटी है, दे आर कवर्ड बाय द एंडोथेलियल सेल्स, सो द फर्स्ट मेम्ब्रेन अराउंड द ल्यूमन इज एंडोथेलियम, और इस एंडोथेलियम में कुछ स्पेसेस होते हैं इन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स व्हिच आर परफोरेटेड, एंड दीस सेल्स व्हिच हैव द परफोरेशन आर कॉल्ड फिनेस्ट्राए, सॉरी फिनेस्ट्राए, और ये फिनेस्ट्राए जो है दीज आर कॉल्ड द लार्जर पोर्स व्हिच आर अबाउट 70 नैनोमीटर इन साइज, ठीक है। और ये क्यों होते हैं, ताकि इस ल्यूमन में से जो पार्टिकल्स हैं वो निकल के वुमेन कैप्सूल में जा सकें, ठीक है, यानी उसकी फिल्ट्रेशन हो सके। सो हमने क्या बात की कि फर्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज एंडोथेलियम सेल्स, एंड दीज एंडोथेलियम सेल्स फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, सो दरमियान में आपके पास ह्यूमन आ गया, ह्यूमन को कवर किया हुआ है एंडोथेलियल सेल्स ने, बट दीज एंडोथेलियल सेल्स हैव परफोरेशन व्हिच आर कॉल्ड फिनेस्ट्राए, एंड फिनेस्ट्राए आर द पोर्स व्हिच आर अबाउट 70 नैनोमीटर इन डायमीटर या इन साइज, ठीक है। और क्यों होते हैं इसके अंदर पोर्स, क्योंकि हमने इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन करवानी है, कि इसमें जो वेस्ट है, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स नहीं है किडनी के में रिमूव होने हैं, वो इसमें से निकल के वुमेन कैप्सूल में आ जाए, ठीक। सेकेंड आपके पास आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए हर चीज जो है वो निकल के यहाँ से फिल्ट्रेट में नहीं चली जाती है या वुमेन कैप्सूल में नहीं जाती है, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसको ये ब्लू से रिप्रेजेंट किया मैंने, एंड दिस इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सराउंड्स द एपिथेलियम, यानी जो किडनी के या जिसके एंडोथेलियम सेल्स हैं उनको ये सराउंड करती है, और किस चीज से बनी हुई होती है, सो इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन 4, हेपरिन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकन एंड लेमिना, ठीक है। ये तीन मॉलिक्यूल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये इसको स्टिफनेस देते हैं और इसको एक बैरियर का रोल प्ले करवाते हैं, और थर्ड लेमिना इसकी मेम्ब्रेन्स के लिए यूज होता है। सो इट इज कंपोज्ड अप ऑफ 3 लेयर्स,
द इनर लेयर इज कॉल्ड लेमिना रेरा इंटरना, यानी ये जो एंडोथीलियम को कवर करेगी इसको लेमिना रेरा इंटरना बोलेंगे एंड दिस इज इनर वॉल एंड थिन इन नेचर. ठीक है, लेमिना डेंस जो आपको ये सेंटर में नजर आ रही है, दिस इज द मिडिल लेयर एंड इट इज थिक इन नेचर. ठीक, और बाहर आ जाएगी ये वाली जो डार्कर ब्लू कलर में है, ये आपके पास आ जाएगी लेमिना रेरा एक्सटर्ना व्हिच इज आउटर डेंस लेयर एंड ऑल ऑफ दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन फॉर हेपेनिन सल्फेट एंड प्रोटियोग्लाइकेन. ठीक है, सो बेटा ये जो आपके पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एक बैरियर का काम करती है कि इट वुड नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास फ्रॉम द कैपिलरी ल्यूमन इनटू द वुमेन स्पेस या वुमेन कैप्सूल. ठीक, देन हमारे पास आते हैं सेकेंड पार्ट, दिस इज कॉल्ड द वुमेन कैप्सूल. सो वुमेन कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस. ठीक, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है अराउंड दिस ग्लोमेरुलस, इसको हम बोलेंगे वुमेन कैप्सूल. ठीक, सो वुमेन कैप्सूल की अगर आप मेम्ब्रेन्स देखें तो ये कप शेप है, इस तरह से बना हुआ है. ठीक है, यानी अगर आप इसको देखो तो ये इस तरह से बना हुआ है. सो इस कप शेप में जो इसकी आउटर लेयर है उसको हम बोलेंगे पेराइटल एपिथीलियम और जो इसकी ये इनर लेयर है इसको आप बोलेंगे विसरल एपिथीलियम. ठीक है, सो बेटा पेराइटल एपिथीलियम इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम. स्क्वैमस एपिथीलियम आपको पता है कि स्क्वैमस कम यूज होती है फ्लैटेंड सेल्स के लिए. सो दिस आउटर आर द पेराइटल एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस सेल्स, स्क्वैमस फ्लैटेंड सेल्स. ठीक है, एंड द इनर आर द विसरल एपिथीलियम व्हिच कंटेन अ स्पेशलाइज्ड एपिथीलियम सेल्स व्हिच आर कॉल्ड पोडोसाइट्स. अब ये देखिए आपको यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के साथ सेल्स नजर आ रहे होंगे, यानी उनके पोर्स हैं और वो इसलिए हैं ताकि इसमें स्पेस क्रिएट हो कि ये चीजें इसमें आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएं. ठीक है, सो रोल क्या है पोडोसाइट्स का, दीज आर पोर्स इन द कैपिलरी एंड गैप इन द पोडोसाइट. देखिए फिनेस्ट्रॉय इन द कैपिलरी एंड गैप इन द पोडोसाइट्स are quite large and make it easy for any substance to pass through. तो यहाँ से जो substances हैं वो इसमें से pass through हो जाएंगे, कहाँ कहाँ से, from the pores in the capillaries and gap in the podocyte. अगर ये इस तरह से होगी तो फिर तो इसमें gap नहीं आ रहा है. ठीक है, so इसलिए इसके अंदर ये projections हैं कि उनमें gap present होता है और उस gap की वजह से ये क्या होते हैं substances को filter कर लेते हैं capillary के lumen से. अब क्या चीजें जो है वो इसमें इंटर होंगी और क्या नहीं होंगी, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास आरबीसीज प्रोटीन और इस तरह के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से पास नहीं होंगे. ये पास क्यों नहीं होते, क्योंकि एक तो इनका साइज ज्यादा होता है, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन इनकी एंट्री को प्रिवेंट करती है. रेस्ट ऑफ द मटेरियल जितने भी हैं आपके पास पॉलीसेक्राइड्स हैं, शुगर हैं, अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन लिपिड्स हैं वो भी पास नहीं होंगे. ठीक है, इस तरह आपके कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, दे कैन एंटर इनटू द वुमेन स्पेस बाय मीन ऑफ दीज पोडोसाइट्स. ठीक है, सो अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास रीनल कार्पसल का स्ट्रक्चर आ गया इन विच वी हैव शोन द ग्लोमेरुलस. देखें एफेरेंट आर्ट्रियोल विच हैव द लार्जर डायमीटर एंड एफेरेंट आर्ट्रियोल विच हैव द लेसर डायमीटर. ठीक है, एंड मोर ऑफ द ब्लड विल एंटर इनटू दिस ग्लोमेरुलस आर द डक्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज and less blood will leave the efferent arteriole, so we can say a pressure is created inside the glomerulus which is called glomerular pressure and that helps in the movement of the molecules from the capillary lumen through fenestroid into the Bowman space. Okay, then बेटा अगर आपको ये देखें तो इस Bowman glomerulus के center में आपको ये blue color के कुछ cells नजर आ रहे हैं which are called intraglomerular, यानी within the glomerulus are mesangial cells. ठीक है, सो ये सेल्स यहाँ पे क्यों होते हैं, पहली बात कि ये जो ग्लोमेरुलस है जो डक्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, लेकिन इनका एक इंपॉर्टेंट रोल भी है कि दे प्रोड्यूसेस द इंटरल्यूकिन 1 एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स. ये दो हार्मोन हैं, दो केमिकल्स हैं जो ये प्रोड्यूस करता है और इन दोनों का काम क्या होता है कि अगर ग्लोमेरुलस में कोई इंजरी हो जाए तो उसको ये रिपेयर करता है, बट अगर ये इंजरी ना रिपेयर हो तो हमारी किडनी जो है वो फंक्शन स्टॉप कर देगी और उसको आप रीनल फेलियर कहते हैं. यानी जब ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो एक्चुअली रीनल फेलियर तब कॉज होता है. ठीक है, देन इसके बाद ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं इनर लेयर के इनको पोडोसाइट्स कहेंगे और जो इसकी पेराइटल है वो किससे बनी हुई है, स्क्वैमस
एपिथेलियम से। रोल क्या है इसका वो हम आगे फंक्शन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट मेन रोल आपने याद रखना है कि ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेशन करता है, उसमें ब्लड है वो ग्लोमेरुलर प्रेशर से फिल्ट्रेशन करेगा एंड द फिल्ट्रेट इज रिसीव्ड बाय द वुमेन कैप्सूल टू बी सेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट बी, सो मस्ट वॉच पार्ट बी एज वेल। ओके,